बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। एक दिवसीय दौरे पर औरैया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया को बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने 688 करोड़ रुपए की 145 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दीपावली पर आयोजित होने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम और राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर भी कई जानकारियां दी। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को औरैया के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने 688 करोड़ रुपए की 145 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया, महिला लाभार्थियों को चेक सौंपे। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए इस वर्ष प्रदेश भर में मनाए जाने वाले दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर कई अहम बातें बताई। इस वर्ष की एक बहुत हम सबके लिए शुभ दीपावली होगी, क्योंकि दीपावली के दिन से हम लोग प्रदेश में हर घर में हर देवस्थल में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। और एक कार्यक्रम हमारा तब तक लगातार चलना चाहिए जब तक अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने स्वयं के भव्य मंदिर में विराजमान न जाएं। एक दिवसीय दौरे पर औरैया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची को खीर खिलाकर अन्न प्राशन कराया, साथ ही उसके पैरों में पायले भी पहनाई और उपहार भी दिया। साथ ही विद्युत सखी को राजकीय आजीविका मिशन के तहत 2.5 लाख की चेक सौंपी। वहीं छात्राओं को लैपटॉप और टैबलेट भी दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को लेकर बड़ा ऐलान किया और दीपावली का यह आयोजन 500 वर्षों के बाद फिर से पूरे भारतवर्ष में आ रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है और हम लोग तब व्यवस्था करने जा रहे हैं कि 22 जनवरी को जैसे ही प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कार्यक्रम संपन्न होगा, अगले दिन से जनपदों से भी हम लोग राम भक्तों को अयोध्या में ले जाकर के दर्शन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और इसके लिए मैं औरैया वासियों से भी कहूंगा, अभी से तैयारी करिए प्रभु के स्वागत के लिए। आपके घरों में, आपके गांवों में, आपके देव मंदिरों में भी प्रभु का वास इसी प्रकार से हो करके हम सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाता रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरैया के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। यहां सांसद राज्यसभा गीता शाक्य व सदर विधायक गुड़िया कटेरिया ने सीएम योगी को पुष्पगुच्छ और राम दरबार की मूर्ति देकर उनका स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे। यहां उन्होंने दो कार्यक्रमों में शिरकत की और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को 501 करोड़ रुपयों की विकास की योजनाओं की सौगात दी। 153 योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अनुसूचित जाति के सम्मेलन में शिरकत करने कानपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास माना जा रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने कानपुर को 501 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें से 43 परियोजनाओं का शिलान्यास और 110 का लोकार्पण किया गया। 1,54,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले तो 1,75,00,000 परिवारों को फ्री में उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन और भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी और फ्री में वैक्सीन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के और गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। किदवई नगर के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम की 100 हॉपर ट्रिपर और 6 बॉब कटर गाड़ियों को मंच से हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद जेके समूह के कार्यक्रम में जेके मंदिर पहुंचकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से सिलाई मशीनें पाकर महिलाओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। जो भी सिलाई मशीन जिनको भी दी जा रही थी तो मैं उनसे पूछ रहा था कि क्या आपने ट्रेनिंग ली, वो कहते थे हाँ, एक आत्मविश्वास से कि हाँ हमने ट्रेनिंग ले ली है, अब मशीन के माध्यम से हम सिलाई का काम तत्काल प्रारंभ कर देंगे।
आज के दिन पर लोगों के हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं, स्केल है, लेकिन प्रधानमंत्री जी यही कहते हैं इस स्केल को स्किल के साथ जोड़ना है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिलों को प्रदेश सरकार की सौगात कितने मायने में फायदे पहुंचाएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन भाजपा सरकार लोकसभा चुनाव में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद कहीं न कहीं जो अनुसूचित जात का वोट बैंक था उसको अपने पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया, वो काफी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि उनके मंच पर जो लोग मौजूद थे वो कहीं ना कहीं अनुसूचित वर्ग के वो लोग उपेक्षित लोग थे जो आज मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, और कई ऐसे लोग थे जो जिनके परिवार के लोग इस समाज से थे लेकिन उनको कुछ मिला नहीं था, लेकिन उन लोग समाज इस दुनिया से जाने के बाद उन लोगों को जाकर सम्मान सहित उन्होंने विधायक मंत्री जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था, ये कहने से मुख्यमंत्री